हे व्हाट इज अप टैगी पीपल। तो ये है मेरी इंट्रो लाइन जो मैं बोलता हूँ स्टार्टिंग में वीडियो के। बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं रोज मुझसे कि भाई तू क्या बोलता है स्टार्टिंग में। तो आज मैंने ये क्वेश्चन बहुत ही स्मार्टली आंसर कर दिया है, तो इस बात पे आई थिंक लाइक बनता है। प्लीज यार इसको लाइक कर दो, क्यू एन ए को 2000 लाइक्स का टारगेट है इस बार भी। बाकी आप चाहो तो ज्यादा भी कर सकते हो, मर्जी है वो तो आपकी, आपकी ज़िंदगी, आप जो चाहो कर सकते हो। लाइक कर दो या फिर डिसलाइक, वैसे करना सही नहीं है बट आप चाहो तो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लाइक कर देना प्लीज़ यार। एंड अभी हम स्टार्ट करते हैं क्यू एन ए का एपिसोड 6। बट उससे पहले आई नो कि क्यू एन ए वीडियो वापस से लेट हो चुका है यार। मुझे पता नहीं क्या दुश्मनी है क्यू एन ए की मेरे साथ में, क्योंकि हर बार ये क्यू एन ए वीडियो लेट हो ही जाता है। एंड एक और सैड न्यूज़ है कि कल था शनिवार, दोपहर के 2 बज चुके थे, बट फिर भी रेंटेड का एपिसोड 3 नहीं आ पाया क्योंकि मैं उसको शूट ही नहीं कर पाया, क्योंकि मैं शूट कर रहा था ये क्यू एन ए वीडियो। तो उसके लिए भी सॉरी यार। बट अब जो शनिवार आ रहा है, जो कि ऑलमोस्ट आ ही चुका है, बस आ गया, बस पास में ही है, तो उस दिन दोपहर को 2 बजे मिल जाएगा आपको रेंटेड का एपिसोड 3। तो प्लीज़ यार उसको देख लेना। बट अभी के लिए स्टार्ट करते हैं क्यू एन ए एपिसोड 6 और आंसर करते हैं वो क्वेश्चंस जो आप लोगों ने मुझसे पूछे थे लास्ट क्यू एन ए वीडियो पे। एंड अगर आपका क्वेश्चन आज आंसर नहीं हो पाता या फिर आपका कोई नया क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो यूजिंग द हैशटैग आस्क नमन। तो इस हैशटैग के साथ अपना क्वेश्चन आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और मैं आपका जो क्वेश्चन है उसको आंसर करूंगा अपने नेक्स्ट क्यू एन ए वीडियो में, जो कि बहुत जल्दी आने वाला है, बस 15-20 दिन में आ जाएगा, तो वो भी आप देख लेना। कितनी फालतू बात करता हूँ यार मैं, बट अब छोड़ो यार, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जा भाई, जिंदगी बचाएगा क्या यहाँ पे? चल आप स्टार्ट करते हैं क्यू एन ए और आंसर करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एथफिक्स हिप हॉपर्स का। भाई तुम्हारे दोस्त अब भी तुमसे गाली दे के बात करते हैं या फिर कुछ चेंज हुआ है जब से तुम यूट्यूबर बन चुके हो? तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो मुझसे गाली दे के बात नहीं करते हैं या फिर तमीज़ से बात करते हैं, बदतमीज़ से बात करते हैं, बेइज्जती करते हैं, अभी भी बिल्कुल वैसे हैं। और मैंने ऐसा कोई बड़ा काम किया नहीं है अभी कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातें और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है राजबीर शर्मा का। नरेट वन वेरी नॉटी थिंग यू हैड डन इन योर स्कूल लाइफ। तो अभी एक तो मैं याद नहीं कर पाऊंगा, बहुत सी करी होंगी, लेकिन एक मुझे याद आ रही है, मेरी नहीं है, मेरी बहन की है। तो उसने क्या किया था, हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उनके बाल नहीं थे, मतलब वो टकले थे, गंजे थे, तो उसने क्या किया था, उनको उसने गंजे टकले बोल दिया था क्लास के सामने। तो उसके साइड में जो लड़की बैठी थी उसने सर को बता दिया कि सर ये आपको टकला बोल रही है। तो वो सर उसको ऑफिस में ले गए मेरी बहन को और उसको डांटा नहीं यार, ये तो शॉकिंग बात है, उसको डांटा नहीं, उसको उल्टा वो हंस रहे थे और बेसिकली कुछ हुआ नहीं, बस यही एक चीज़ है। बट एक मैंने भी किया था, एक मुझे भी याद आ गया। तो मैंने क्या किया था, मेरे जो इंग्लिश की टीचर थी, इंग्लिश टीचर, जब वो लिख रही थी ब्लैक बोर्ड पे तो मैंने उसको पीछे से चौक मारा था, बहुत तेज़ मारा था एक्चुअली। तो उसके बाद उसने मेरा कान बहुत मोड़ा था, बहुत तेज़ मेरा कान मोड़ा था, मुझे अब तक याद है। उसके बाद फिर वो मुझे ले गई थी ऑफिस में और फिर मेरी बहन को बुलाया और बोला कि इसको समझा लो वरना पिटाई खाएगा, मरमरा जाएगा। तो ये मैंने किया था। तो अभी दो चीज़ याद आ रही है मुझे, दो बातें, बाकी और भी बहुत कुछ किया होगा बट याद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओहम साह का। मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी यार टीचर है, पापा का बिजनेस है। एंड तेरी एज कितनी है? एज यार तुम बहुत लोग पूछते हो, तुम ऐसा करो एज तुम लोग गैस करो, नीचे कमेंट करो मेरी एज क्या होगी, जिसको पता है प्लीज़ वो लीक मत करना, तुम नीचे कमेंट करो, देखते हैं किसका गैस सही निकलता है। एंड फेवरेट डिश क्या है? फेवरेट डिश है मेरी राजमा चावल। एंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि पॉन कितनी देख सकता है? पॉन यार जब रिक्वायर्ड होता है तब देख सकता हूँ, बाकी फालतू हर वक्त तो कौन देखता है, तू देखता है क्या बता नीचे कमेंट में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है काशवी हारदिया का। व्हाट इफ यू मेट ढिंचैक पूजा? यार ये मैंने कभी सोचा नहीं कि वो मुझे मिलेगी तो मैं उससे क्या बोलूँगा। वैसे मैं उसके गाने कभी सुनता नहीं हूँ, ऑब्वियसली कौन सुनता है, ईयरफोन में तो बिल्कुल मत सुनना ऑब्वियसली। तो मैं उसको यार ये बोलूँगा कि तू क्या बोलूँगा यार, मैं उसको बोलूँगा कि तू ओम प्रकाश मिश्रा के साथ कोलैब कर शायद, ताकि फिर दोनों कान में बराबर दर्द हो, बेसिकली बैलेंस हो जाए जो भी चीज़ है। आई नो बेकार आंसर है बट जो भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अरिजीत विवेक का। भाई तुम मुझे बहुत क्यूट दिखते हो, अपने हेयर्स का ख्याल कैसे रखते हो एंड कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो? हेयर्स का ख्याल कैसे रखता हूँ यार, ऐसा कोई स्पेशल शैम्पू या फिर कोई स्पेशल ऑयल मैं यूज़ नहीं करता हूँ। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कौन सा शैम्पू यूज़ करता है, कौन सा ऑयल यूज़ करता है। तो ऑयल की अगर हम बात करें तो आई थिंक एक साल हो गया होगा मुझे कि मैंने ऑयल लगाया होगा, तो वो तो मैं करता ही नहीं हूँ। और शैम्पू भी कोई स्पेशल नहीं है, पतंजलि का भी नहीं है, कोई स्पेशल नहीं है,
सारे बेसिक जो मिलते हैं यार दुकानों पे गुप्ता की कमलेश की वैसी शैम्पूज मैं यूज़ करता हूँ, तो उससे ही होता है। एक्चुअली ये ऐसा नहीं है कि मेरे बाल अभी बड़े हुए हैं, अभी सिल्की हुए हैं, ये स्टार्टिंग से ही था। मैं अभी आपको अपनी एक बचपन की पिक दिखाता हूँ, तो ये मेरी बचपन की पिक है, तो आप देख सकते हो इसमें भी मैंने चोटी बना रखी है जब मैं छोटा था, तो तब से ही बाल ऐसे हैं। तो ये सारा कुछ यार भगवान का खेल है बेसिकली। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जूही का, एंड शी सेज बेस्ट लाई यू हैव एवर टोल्ड टू योर मॉम इन योर चाइल्डहुड। तो यार ऐसी तो बहुत सी चीज़ें होंगी बट अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा एक याद आ रहा है मुझे बट ये बहुत ही लंबी बात है, इसको शॉर्ट में बताता हूँ। तो क्या हुआ था बचपन में, मैं और मेरा भाई जो कि हम बहुत ही मस्ती करते हैं, बहुत ही एक ऐसी चीज़ें करते हैं जो शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते, हम बहुत कुछ करते हैं और करते थे। तो बचपन में हमने क्या किया था, हमारे घर के सामने जो रोड है उस पर हमने पत्थर ही पत्थर लाई लगा दिए थे पूरी रोड पर ऐसे लंबाई पर। तो जो भी गाड़ी आती थी, अगर कार होती है तो वो उस पर चल जाएगी और फिर वो तो चली जाएगी, बट जो बाइक वाले होते हैं पहले पत्थर को हटाते हैं फिर वो जाते थे। तो ऐसे ही हमने एक चीज़ करी थी, तो एक बाकी लोग जा रहे थे बट एक सनकी सा इंसान आया, उसने क्या किया, उसने पत्थर हटाया नहीं, वो बाइक उसने रोक ली और हमको देख लिया। हम चुपके से देख रहे थे गेट के पीछे से कि वो क्या करता है, तो उसने हमको देख लिया। हम जल्दी से भागे छत पे अपने टॉप फ्लोर पे घर के, तो वो हमारे पीछे भागा, घर के अंदर आ गया और फिर हम तो ऊपर चले गए। तो उसने मेरी मम्मी को बोल दिया कि आपके बच्चे देखो बाहर क्या कर रहे हैं, पत्थर लगा रहे हैं रोड पे और कोई गिर जाएगा एंड ऑल दैट। तो उसके बाद हम फिर वो चला गया, बट थोड़ी देर बाद हम जब नीचे आए टेरिस से तो मम्मी ने मुझसे बोला कि तू क्या कर रहा है ये इसके साथ। तो मैंने बोला कि हम तो ऊपर थे, हम तो ऊपर खेल रहे थे, झूठ बोल रहा है जो भी था। तो आज तक पता नहीं किसी को कि वो हमने ही किया था। मम्मी अगर आप देख रहे हो तो यार वो मैंने ही किया था, हूँ मैं गंदा इंसान हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतीक रॉथ का, भाई तूने जो बोला तेरे सीरियस क्रश के बारे में, अब जो तुम फेमस हो गए हो तो क्या कभी उसने अप्रोच करने का ट्राई किया। तो यार इतना भी फेमस मैं नहीं हूँ जितना तुम सोच रहे हो, एंड अप्रोच करने का ट्राई उसने नहीं किया, एंड अगर वो करती है फ्यूचर में तो शायद फिर मैं मना कर दूँ, क्योंकि वो तो फिर लाइक गोल्ड डिगर वाली बात हो गई ना, सो इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है DIY फॉर फन का, ब्रो आशीष चंचलानी के वीडियोज़ में जो कुणाल छाबड़ा है वो तेरा भाई है क्या? तो हाँ वो मेरा भाई है, अभी दूसरे रूम में बैठा होगा, वो बुलाऊँ उसे, बुलाऊँ? ये क्वेश्चन मुझे इतनी बार पूछा है लोगों ने, मतलब अगर किसी का सेम सरनेम है तो वो भाई हो गया क्या? और सेम सरनेम भी नहीं है। मैंने चेक किया आशीष भैया के वीडियोस पे डिस्क्रिप्शन में, तो उसका नाम है कुणाल छाबड़िया और ना कि कुणाल छाबड़ा, तो सरनेम अलग है और वो मेरा भाई नहीं है। कुछ लोग तो यूँ बोलते हैं कि जो छाबड़ा 555 जो कंपनी है वो तुम्हारी है क्या? यार अगर वो मेरी होती तो मैं यहाँ बैठा होता, मैं ऑडी चला रहा होता ढिनचैक पूजा की तरह। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आइकॉनिक साहिल राज का, आप राजस्थान के अलवर से होना तो आपने भांगड़ का नाम तो सुना ही होगा, तो कितनी सच्चाई है भांगड़ के इस भूतिया होने में, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, आई लव योर वॉइस एंड थैंक यू। तो हाँ अलवा के पास में है एक भांगड़ जो जहाँ पे मैं गया भी था स्कूल ट्रिप पे व्हेन आई वाज 9 आई गेस, तो मैं 9 साल का था जब मैं गया था वहाँ पे, एंड उसके बाहर ना एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है और वहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 बजे के बाद इसके अंदर जाना एक क्राइम है। तो अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ बोल रही है तो आई थिंक हो सकता है कि वो बहुत ही भूतिया हो, एंड बाकी मैंने ज़्यादा नोटिस नहीं किया वहाँ पे। तो मैं ट्राई करूँगा कभी वहाँ से व्लॉग बनाऊँ, एंड इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है वो, तो मैं ट्राई करूँगा कभी वहाँ से एक व्लॉग बना के लाऊँ आप सबके लिए, बट अभी के लिए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे उसके बारे में, वरना आई थिंक यहाँ पर भी भूत आ सकता है, मुझे लग रहा आ गया, ओह फक आ गया हो रहा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्मिता गुप्ता का, व्हाट इफ अ गर्ल यूट्यूब फैन अप्रोचेज यू एंड टेल्स यू यू आर हर क्रश? तो मेरा रिएक्शन जो होगा वो आई थिंक ये होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनिया भाटिया का, योर वॉइस इज अमेजिंग, माई क्वेश्चन इज डू यू वॉच बिग बॉस? तो बिग बॉस पे बहुत मीम्स बनते हैं, बहुत मजाक बनते हैं, बट फिर भी उसमें लड़ाई होती है, इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है, तो यार मैं देखता हूँ। सॉरी सॉरी क्यों बोल रहा है मिक्की, यार मेरी मर्ज़ी में कुछ भी देखूँ। और आज के लास्ट क्वेश्चन है पब्लिक डिमांड का, इनका नाम है पब्लिक डिमांड, इनका क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी वॉइस इतनी ग्रेट कैसे है, मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी वॉइस भी इतनी ग्रेट आपके जैसी हो जाए बेसिकली। तो इसका आंसर भी वैसे ही होगा जैसे बाल वालों का था, तो ये इसके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, ना कोई रियाज़ किया, ना कोई स्पेशल ट्रेनिंग, ना कोई ऐसी चीज़ खाई है जिससे मेरी वॉइस ऐसी हो गई है। कुछ लोग तो बोलते हैं मुझसे कि तेरी वॉइस उधार दे दे लड़की पटानी है, यार मतलब बट मुझे नहीं पता ये कैसे है, जैसे भी है सब भगवान का खेल है बेसिकली। मैं तो यार हफ्ते में 4 बार मोमोज खाता हूँ, 4 बार मोमोज हफ्ते में, एंड चॉकलेट शेक तो मैं रोज़ पीता हूँ वो भी ठंडा, तो पता नहीं ये कैसे है, बट जो भी अगेन भगवान का खेल है यार, एंजॉय करो।
या गाइस, ये थे कुछ अमेजिंग क्वेश्चंस जो आप अमेजिंग लोगों ने मुझसे पूछे थे एंड मैंने उनको आंसर कर दिया है। तो अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है जो आप चाहते हो मुझसे पूछना है, तो वो आप पूछ सकते हो इस वीडियो के नीचे यूजिंग द हैशटैग आस्क नमन, और मैं आपका क्वेश्चन आंसर कर दूंगा अपने नेक्स्ट Q&A वीडियो में। अभी के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ यार नीचे लाइक फेंको, कमेंट छोड़ो और शेयर भी कर सकते हो, चाहो तो, मर्जी आपकी लाइफ है। एंड नीचे सब्सक्राइब करो, हैश करो। बाय।